ब्रो गेस व्हाट, तेरे भाई का 10 लाख का पैकेज लगा है। तेरा क्या सीन है? कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा। अबे छोड़ना, चल बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आएंगे। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू जा। अबे क्या नाटक कर रहा है यार, चलना चलते हैं, मैं पैसे दे रहा हूं ना। अबे पैसे की बात थोड़ी है यार। तो क्या जेलस हो रहा है? तुझसे जेलस होऊंगा मैं? मैं खुश हूं यार तेरे लिए। मैं खुश है तो चल चलना, सेलिब्रेट करेंगे। तेरे भाई की नौकरी लगी है? आज नहीं यार। अबे क्या भाव खा रहा है? अब तेरी नहीं लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? कब से कह रहा हूं चल चल चल। अबे नहीं जाना यार, तुझे समझ भी आ रहा है मेरी सिचुएशन क्या है? तुझे क्या लगता है मेरा मन नहीं करता पार्टी करने का, घूमने फिरने का? बचपन से लेके आज तक कोई भी चीज पूरी तरह से एंजॉय कहां कर पाया हूं मैं? दोस्त के बर्थडे पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। स्कूल पिकनिक में सिर्फ तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा मैथ्स का ट्यूशन रह जाएगा। हर छुट्टियों में घर वालों को बोलता था कहीं घुमाने ले चलो, पर सीधा जवाब यही आता था, पहले अच्छे मार्क्स ला के दिखाओ। अरे कहां से लाओ अच्छे मार्क्स? अब जरूरी थोड़ी हर बच्चा टॉपर ही पैदा होता है। कुछ होते हैं हमारे जैसे भी जिसके सपनों पर हर दिन ये सोसाइटी, ये रिश्तेदार, यहां तक कि अपने भी थूक के चले जाते हैं। बचपन में खूब सपने देखे थे ना कि ये करेंगे वो करेंगे, पर रियलिटी चेक तो स्कूल से मिलना शुरू हो गया था। जैसे तैसे 10th पास की तो लगा चलो अब पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, पर मुझे क्या पता था मेरे माँ बाप मेरा फ्यूचर प्लान करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मुझसे बिना पूछे मुझे साइंस दिलाई और नंबर कमाए तो मुझ पर ही ब्लेम डाल दिया कि तू मेहनत नहीं करता। अरे मुझसे एक बार भी पूछा कि मुझे क्या करना है, पर नहीं, मेरे माँ बाप को चाहिए कि उनके बेटे का एडमिशन इस देश के बेस्ट कॉलेज में हो। अरे एडमिशन तो तब होगा ना जब मेरिट लिस्ट 99 से नीचे जाएगी। अब हर बच्चा 99 कहां से लाएगा? और एडमिशन नहीं हुआ तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई मेहमान घर रुकने आ गया हो। अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कौन करता है? हर दूसरे लड़के से कंपेयर किया जाता है जिसका हमसे कोई लेना देना भी नहीं है। तुझे क्या लगता है हर साल हजारों बच्चे किस लिए सुसाइड कर लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनके कम मार्क्स आए? वो इसलिए अपनी जान दे देते क्योंकि उन्हें पता है ये सोसाइटी, उनके अपने घर वाले, उनके अपने पेरेंट्स कोई जीने नहीं देगा उस बच्चे को, ताना सुना सुना के मार देंगे लोग उसे। और ये मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। स्कूल से क्या सिखाया जाता है? 10th कर लो फिर लाइफ सेट है, 12th कर लो फिर लाइफ सेट है, एक बार IIT करके एक अच्छी जॉब लेके शादी करके बच्चे करके बूढ़े होके मर जाओ फिर तो लाइफ पक्की सेट है भाई। कॉलेज में 4 साल घिसाने के बाद क्या मिलता है? लाइफ टाइम का रिग्रेट और डिप्रेशन। साला तुम्हें ऐसा फील करा दिया जाता है जैसे कि तुम ही नक्का रहे हो। तू ही बताना कॉलेज में आके क्या उखाड़ लिया? किसी कॉलेज में आना जितना मुश्किल नहीं है ना उतना इस कॉलेज में सर्वाइव करना है। तुम अपनी ख्वाहिशें लेके आते हो कि स्टार बन जाओगे, हीरो बन जाओगे कॉलेज के, मगर जब तक जेब में पैसे नहीं हो ना कुछ नहीं कर सकते तुम। ये अमीर बच्चे तुम्हें ऐसे गरीब वाली नजरों से देखते जैसे पता नहीं तुमने क्या गुनाह कर दिया हो। पूरी रात साली रीले देखने में निकल जाती है क्योंकि हम जैसे लोगों को कौन ही मैसेज कर देगा। बहुत मन करता था कि उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करूं, यही सोच कर कि बात तो शुरू होगी, पर वो मेरे से बात क्यों करेगी? क्या उखाड़ा है मैंने लाइफ में? ना अच्छी शक्ल है, ना बॉडी है, ना पैसे है, है क्या मेरे पास उसे देने को? प्यार, मोहब्बत। अबे प्यार और मोहब्बत से काम चलता ना तो आज वो टाइटैनिक वाला भी जिंदा होता और आज मैं भी लाइफ में एटलीस्ट थोड़ा सा खुश होता। ये टी शर्ट 12th में ली थी मैंने पर आज ग्रेजुएट हो चुका हूं, पर लाइफ की तरह इसमें भी गड्ढे पड़ चुके हैं। किसी की प्लेसमेंट हो रही है, किसी की फॉरेन में जॉब लग रही है, कोई अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है, कैसे जेलस ना हूं भाई? मेरे पास इन तीनों में से एक भी चीज होती ना तो कसम से ये नींद की गोलियां नहीं खा रहा होता मैं। और इसके बावजूद मेरे माँ बाप बोलते हैं कि तेरी प्लेसमेंट क्यों नहीं लगी, क्योंकि जॉब के लिए आपके बेटे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब, और ये जॉब ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहां से लाऊंगा मैं? माँ बाप को अपनी इज्जत की फिक्र है और ये टीचर्स को ग्रेड्स की। देश का फ्यूचर बोल बोल के बस फैक्ट्री चलाया जा रहा है जहां हर स्टूडेंट की सोचने की पावर जीरो हो चुकी है, और एंड में बच्चा अगर गिव अप कर दे तो 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन उसी को कोसेंगे, अरे सह नहीं पाया, अरे सहने लायक छोड़ा कहां आपने,
बचपन से ये मत करो वो मत करो, हमारी सेवा करो, हम जो चाहते हैं वो बनो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने दुनिया देखी कहा। अरे आपने देखने दी कहा है? इतने कमांड्स तो एक रोबोट तक फॉलो नहीं करता जितना एक स्टूडेंट को अपने लाइफ टाइम में करना पड़ता है। कभी तो एक दिन आएगा जब इस देश में कोई एक स्टूडेंट से पूछेगा, भाई तू ठीक है? और वो बिना डरे बोल पाएगा कि ठीक नहीं हूं मैं।